कैसे आप लोग दोस्तों, मैं हूं कश्मीर और आप देख रहे हैं मेरे को सेल्फ यूनिक। गाइस कल हमने एक वीडियो बनाया था कि अपने डोमेन की रिस्पेक्ट करो और अपने डोमेन में ह्यूज डिमांड है। मैंने बताया था कि अगर बीम के अंदर काम करते हो कल को बीम की कंसल्टेंसी खोलो, बढ़िया पैसा कमाओगे। स्ट्रक्चर के अंदर काम करते हो, एक्सपीरियंस गेन करो, स्ट्रक्चर की कंसल्टेंसी खोलो, बढ़िया पैसा कमाओगे। रियल एस्टेट का काम करते हो, रियल एस्टेट के सेल्स करते हो, रियल एस्टेट में खुद बिल्डिंग्स बना के सेल करते हो, बहुत अच्छा काम करोगे। इन तीनों पे मैंने बहुत डीप में समझाया था। अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा तो चैनल के ऊपर जाइए, पहले देख लीजिए कि अपने डोमेन को कैसे हम लोग अपने डोमेन में अच्छा कर सकते हैं। आज का जो वीडियो है क्लियर समझिएगा। कल के वीडियो में कुछ बच्चों ने कमेंट किया था, उसमें से एक कमेंट काफी इफेक्टिव था और आपको जानना चाहिए। एक बच्चे ने बोला कि सर आपने ऑफिस जॉब को काफी प्रेफरेंस दे दिया, उसे ग्रोथ भी बता दिया, बट अगर सिर्फ डिजाइन ही लड़के करते रहेंगे तो साइट पर काम कौन करवाएगा, एग्जीक्यूट कैसे होगा। ये चीज बहुत अच्छा उसने क्वेश्चन किया था और मैं आपसे चाहता हूं कि आप नीचे फिर से कमेंट करिएगा अगर आपको कोई डाउट आता है तो, सो दैट कि आगे के वीडियोस में हमको क्लियर करने का मौका मिलेगा और साथ ही साथ आपकी वजह से कई लोगों को क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई ये था। तो उस बच्चे को पहले तो थैंक यू, मुझे नाम नहीं याद है सॉरी, बट उस बच्चे को थैंक यू कि उसने एक क्वेश्चन पूछा। चलिए इसको डीप में समझते हैं, मैं साइट को क्यों नहीं प्रमोट कर रहा हूं, रीजन समझते हैं। आप सबको पता है कि साइट इंजीनियरिंग की मैक्सिमम जॉब, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना जिससे पूरा क्लियर हो पाए। आधा क्लियर, आधा सुनने के बाद अपना ज्ञान मत देना, ज्ञान बिल्कुल देना पूरा सुनने के बाद, ठीक है। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा बुरा होता है। साइट इंजीनियरिंग में सबसे बड़ी जो इसमें इशू चल रही है, जो प्रॉब्लम चल रही है, क्या चल रही है कि फ्रेशर्स को 12,000 से 15,000 रुपए में हायर कर ले रहे हैं। चलो मैं कहता हूं वो भी ठीक है, मैं एडजस्ट करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन जब आप 5 साल के एक्सपीरियंस साइट इंजीनियर को देखेंगे, उसकी सैलरी भी 25,000 से 30,000 रुपए के बीच में है। 5 साल का एक्सपीरियंस और 25,000 से 30,000 रुपए, बिलीव करो आज के टाइम में अगर आप बड़े शहर में रहते हो, ठीक है। मैं जिस शहर पर रहता हूँ ये कोई वो शो ऑफ नहीं है, जस्ट बता रहा हूँ आपको कि इसका 15,000 रुपए रेंट है, 15,000 एक 2BHK का रेंट होता है और 25,000 रुपए अगर सैलरी है, हाउ कैन आई पे, ठीक है, हम कैसे उसको पे करेंगे, बहुत प्रॉब्लम होगी ना। यही समझाना चाह रहा हूं कि ग्रोथ जो साइट इंजीनियरिंग में बहुत जीरो हो चुका है एक तरीके से, मानिए तो मैं इसको जीरो ही बोलूंगा। 5 साल में 25,000 30,000 रुपए, 35,000 भी कुछ नहीं है, कम से कम 45,000 रुपए तक की सैलरी होनी चाहिए। चलिए अच्छी बात है जी, ये समझ आया। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, चलो एक बार सैलरी टर्म्स को भूल जाओ। दूसरी जो प्रॉब्लम है कि साइट पर कॉन्ट्रेक्टर जो हो रहा है वो इंजीनियर का रोल प्ले कर रहा है और जो इंजीनियर है वो लेबर का रोल प्ले कर रहा है। पता नहीं कितने लोग इस बात को रिलेट कर पाएंगे, जो साइट पर गए हुए हैं, जो साइट पर हैं उनको अच्छे से पता है, ठीक है। साइट इंजीनियर का जो वर्क होता है वो साइट इंजीनियर को पता ही नहीं है, साइट इंजीनियर दूसरा ही काम कर रहा है। रीजन, कॉन्ट्रेक्टर ने कंट्रोल कर लिया है, उसका कहना है कि भाई हमने तुमको रखा है, तुमने हमको नहीं, ठीक है। कॉन्ट्रेक्टर काम क्या करा रहे हैं साइट इंजीनियर से, थोड़ा सा सोचने की बात है, ठीक है। काम क्या करा रहे और ये क्यों करा रहे हैं और इतनी सैलरी कम क्यों दे रहे हैं, मैं इसको भी क्लियर करूंगा आज के वीडियो में। उसके बाद आप नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, उसका हमें स्वागत रहेगा। चलिए तो सर पहले समझिए कि वो आपको काम क्या दे रहे हैं, ठीक है। बहुत से बच्चे पुणे में है, मेरे कॉन्टेक्ट में तो बहुत से सिविल इंजीनियर है, तो बताते हैं कि वो क्या कर रहे हैं साइट पे। ब्रिक्स कितने ट्रॉली आ रही है, ठीक है, कितने ट्रॉली ब्रिक्स आया, कितने ट्रॉली कितने बैग सीमेंट आया, कितना सैंड आया, उसको रजिस्टर में एंट्री कर रहे हैं। कौन सी गाड़ी नंबर से आया था, इस गाड़ी नंबर से ये आया था, इस गाड़ी नंबर से ये आया था, ये था। दिस इज द नॉट वर्क फॉर साइट इंजीनियर। साइट इंजीनियर एक सिविल इंजीनियर है ना, वो आपका ईंट गिनने के लिए थोड़ी बैठा हुआ कि ये गाड़ी नंबर से इतना बिका है, ये गाड़ी नंबर से इतना बिका है। ये कौन सी भाई, ये कौन सी जॉब है भाई, ठीक है। साइट इंजीनियर क्या कर रहा है, सुबह सुबह जाके साइट पर क्यूरिंग कर रहा है। क्यूरिंग को आसान भाषा में बोलूं तो क्या बोल रहा है, पानी डाल रहा है अपने साइट पे। दिस इज द नॉट वर्क फॉर साइट, ठीक है। बहुत सी चीजें, मैं साइट बहुत डीप नहीं जाऊंगा, आपको पता है कि इसमें साइट इंजीनियर का जो वर्क है बहुत ही उसका लेवल गिरा दिया गया है, ठीक है। 14 फ्लोर से लेबर कॉल करता है कि सर आके एक बार चेक करो कि स्टील सही से पड़ा है कि नहीं पड़ा है, ठीक है। 14 फ्लोर पे एक बार इंसान किसी तरीके से जाता है, मतलब लिफ्ट तो होती नहीं स्टार्टिंग में। उसके बाद जब 16 फ्लोर पे जाता है फिर से फोन करता है, ठीक है, और उसको फिर से ऐसे जाना, मतलब कई बार वो चक्कर लगा रहा है। किस तरीके से चक्कर लगाते हैं साइट पर आप सबने देखा होगा, बड़ा मुश्किल से वहां ऊपर तक जाना पड़ता है और इस तरीके की चीजें बार बार वो आपको परेशान करते हैं। अब इन सब चीजों का रीजन क्या है, और भी डीप नहीं जाऊंगा कि आप समझ जाओ कि साइट इंजीनियर का जो वर्क है वो साइट इंजीनियर कर ही नहीं रहा है। साइट इंजीनियर का वर्क होता है साइट पर जो भी काम है उसको डायरेक्शन देना, दैट्स इट। हम इंजीनियर है, लेबर नहीं है कि हम उसको करके दिखाएंगे या फिर करेंगे, ठीक है। हमारा वर्क ये है कि यहां से यहां तक वॉल बनाओ, एक कॉलम यहां पर लगाओ, हम जस्ट उसको चेक करेंगे कॉलम सही चला रहे हो कि नहीं चला रहे, दैट्स इट। लेकिन ये काम साइट इंजीनियर का रहा ही नहीं साइट पे। अब ऐसा क्यों है और सैलरी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है,
हम में से मैक्सिमम बच्चे जब कॉलेज में होते हैं तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में जो भी टीचर पढ़ाते हैं उनको खुद भी यही लगता है कि साइट इंजीनियरिंग एक केवल प्रोफाइल होता है और इसी में केवल ग्रोथ होता है, ठीक है। तो मतलब मैक्सिमम बच्चे कैसे होते हैं, कॉलेज से निकले साइट 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 हर जगह पर सर्च करने लगे और इतने ढेर सारे बच्चे हो जाते हैं, कॉन्ट्रेक्टर हो या फिर जो भी वहां का जो भी कंपनी का ऑनर, उसको पता है कि साइट इंजीनियर हमको भर भर के मिल जाएंगे। और जब बल्क में क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो सीधे सीधे बात है, वो क्या करेंगे, बोलेंगे तुम 15 में करोगे, नहीं करोगे, चलो तुम हटो, दूसरा करेगा। क्यों दूसरा करेगा, कि दूसरा भी लाइन में खड़ा हुआ है। मीन्स हमें प्रोफाइल का पता ही नहीं ना कि और कौन सी प्रोफाइल्स है। बट अगर हमको यही क्लियर हो कि साइट इंजीनियर का जॉब ये होता है, स्ट्रक्चर इंजीनियर का जॉब ये होता है, बीम इंजीनियर का, मतलब अगर हम डिवाइड हो जाए तो हमें से मैक्सिमम लोगों को पहली बात तो रोजगार मिलेगा। दूसरी चीज, जब वो कॉन्ट्रेक्टर सर्च करेंगे साइट इंजीनियर्स को तो उनको उनके माइंड में भी एक रिस्पेक्ट रहेगा कि यार इतना आसान नहीं है, उसको एक अच्छा पैकेज देना पड़ेगा, साइट इंजीनियर को एक अकोमोडेशन अच्छा सा देना पड़ेगा। रात को अगर 9 बजे के बाद भेज रहे हैं तो उसकी भी सेफ्टी के बारे में भी सोचेंगे, 11 बजे 12 बजे भेज दे रहे हैं, ऑटो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, किसी तरीके से पैदल जा रहा है, सुबह 8 बजे फोन कर दिए साइट पर आ जाओ, ठीक है। और किस भाषा में बात कर रहे हैं इसको तो मैं आपको क्या बताऊं, मतलब बहुत बुरा हाल है साइट इंजीनियर्स का। तो मेरा बस एक रिक्वेस्ट है, और इस चीज को पता नहीं कितने लोग को रिलेट कर पा रहे हो, जो लोग किए हुए हैं उनको अच्छे से पता है। तो मेरा बस ये कहना है कि आप अलग अलग डायरेक्शंस में जब जाना स्टार्ट करोगे तो एक जगह क्वांटिटी मिलना कम हो जाएगी, तब साइट इंजीनियर खोजने पे मिलेंगे, और जब कम मिलेंगे साइट इंजीनियर या फिर उनकी क्वांटिटी कम होगी तो बिलीव करिए उनको वो पैकेज देना पड़ेगा जो पैकेज आप बात करोगे। आज के टाइम में क्यों सैलरी ग्रोथ नहीं दे रहे हैं, 5 साल के एक्सपीरियंस को भी क्यों 25 से 30 हजार में काम करा रहे हैं, रीजन वो नहीं करेगा तो एक नया लड़का आएगा वो कर लेगा, ठीक है। ट्रेंड इसी से करवा देंगे, तो महीने में इसको बोलेंगे अब तुम निकलो, ये आ गया काम कर लेगा, ठीक है। मतलब ये समस्या आ रही है। तो इसलिए मेरा बस एक फोकस है कि मैं सिविल इंजीनियरिंग को उस लेवल पे लेके जाऊं जहां पे हर किसी को रोजगार मिले और हर बच्चे को पता हो कि देयर इज लॉट्स ऑफ ऑप्शंस इन सिविल इंजीनियरिंग। अभी तो मैं केवल रियल एस्टेट से रिलेटेड ही प्रोफाइल से आपको बताता हूँ, बट आगे मेरा सोच ये है कि हम और थोड़े से आगे जाएंगे, इंफ्रा में भी जाएंगे, अलग अलग डोमेन्स में भी जाएंगे, बट मेरा जो एक्सपीरियंस है मैक्सिमम रियल एस्टेट में, सो मैं इसमें ज्यादा फोकस कर पाता हूँ। स्ट्रक्चर्स में, बीम में, एस्टिमेशन में, पीईबी में, प्रीकास्ट में खुद को डिवाइड करो, देखो कहाँ भीड़ नहीं है वहां पहले लाइन लगाओ, डिमांड आपका ज्यादा रहेगा, सैलरी आपकी ज्यादा होगी और आपका ग्रोथ तो बहुत अच्छा होगा। चलिए, होप आपको क्लियर हुआ होगा कि मैं साइट को न कंसिडर करते हुए स्ट्रक्चर्स को, बीम को और रियल एस्टेट को क्यों बोल रहा था कि उसमें ग्रोथ क्यों ज्यादा है। चलिए, क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दिया करो, इससे बहुत बेनिफिट होता है, दूसरे बच्चे भी कमेंट्स को पढ़ते हैं, साथ ही साथ मुझे भी समझ में आता है कि हाँ आप किस प्रॉब्लम को झेल रहे हो। आप बताओ कि आप साइट के जॉब में क्या प्रॉब्लम फेस किए, या फिर क्या आप साइट के जॉब से हैप्पी थे, कुछ भी जो आपको साइट का एक्सपीरियंस रहा हो नीचे कमेंट करके बताना, जिससे दूसरे बच्चे जब देखेंगे वो पढ़ेंगे उस कमेंट्स को, उनको बहुत बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।